तो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं ऑलरेडी सर ने भी और कुछ मैंने अंडरलाइन किए हैं चीज़ें तो हम वो कर लेंगे सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेकर शुरू में उन्होंने सिर्फ बातें लिखी हुई हैं तो वो हम थोड़ी सी बातें देख लेते हैं और फिर बाद में हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ आएंगे। उसने यही यहाँ पर बताया हुआ है कि इट इज़ द थेरापिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट द ईच पेशेंट और क्लाइंट इज़ एन अप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर द फिज़िकल थेरेपी आपने ये मेक श्योर करना है कि कोई भी पेशेंट या कोई भी क्लाइंट आपके पास आया कि क्या वाकई वो कैंडिडेट है उसके लिए मतलब फ़िज़िकल थेरेपी के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं मीन्स इस पूरे चैप्टर में चूंकि इसका नाम हमने पढ़ा नहीं है इंट्रोडक्शन टू स्क्रीनिंग फॉर रेफरल इन फ़िज़िकल थेरेपी बट वी हैव टू डू हम स्क्रीनिंग के बारे में देखेंगे कि हमने स्क्रीनिंग का मतलब यही होता है कि हमने उसका सारा जायज़ा लेना है स्क्रीन करना है उसके टेस्ट करने हैं उसको सारा स्क्रीन करने के बाद अगर वो हमारे रेंज में हमारे डोमेन में नहीं आ रहा तो उसको रेफ़र कर देना है इस पूरे चैप्टर में हमने रेफर रेफरल की बात करनी है कि दिस पेशेंट इज़ नॉट इन आवर डोमेन एंड हमने इसको रेफ़र कर देना है क्योंकि वो मेडिकल या सिस्टेमिक प्रॉब्लम के साथ आ रहा है इस पूरे लेक्चर uh, में इस पूरे uh, वीडियो में हम यही देखेंगे कि दो किस्म की डिजीज़ हैं एक सिस्टेमिक हैं जिनको विजरोजैनिक भी कहते हैं सिस्टेमिक मीन सिस्टम की लाइक like, विजरास की जैसे कि किसी की किडनी की प्रॉब्लम है लंग्स की प्रॉब्लम है लिवर की प्रॉब्लम है हार्ट की प्रॉब्लम है पेंख्रियाज कॉल ब्लैडर स्टमक दीज आर ऑल द सिस्टम्स इन द ऑर्गन्स जब इसकी कोई प्रॉब्लम आपको स्क्रीनिंग के दौरान निकल आई है और रीजन हमने देखना है ना कि इसको शोल्डर में दर्द हो रही है वी आर फ़िज़िकल थेरापिस्ट ओके एंड वी आर गोइंग टू बी इंशाला सो हमने ये देखना है कि इसको जो मसल पेन हो रही है शोल्डर में पेन हो रही है क्या हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं कोई पनख्रियाज या गोल ब्लैडर की प्रॉब्लम तो नहीं इसके शोल्डर में दर्द क्यों हो रही है आपने इसकी कॉज इसके रूट कॉज की तरफ जाना है और अगर वो काज हो गई हमारे पास सिस्टमिक ठीक है तो हम उसको रेफ़र कर देंगे और अगर उसका काज मस्कुलो स्केल्टल ही हुआ न्यूरो मस्कुलर स्केटल एन एम एस तो वो हमारी ही है कि मसल फीक हो गए या रिमोटाइड अर्थराइटिस है या कुछ भी जो हमारी डोमेन की चीज़ें हैं उसको हमने ही ठीक करना है जिसकी काज़ औरिजन न्यूरोमस्कुलर स्कैरटल है कोई न्यूरोपैथी है कोई नर्व डिसऑर्डर है वो हमने ठीक करना है इनशाला ठीक है सो so, इसके अंदर पहली लाइन का मतलब हमें पता चल गया और इस पूरे टेक्स्ट के अंदर यही बातें आपको बार बार पता चलेंगी अब ये यहाँ पर एक और बात है वो हम देख लेते हैं जो मैंने हाईलाइट की है अब यहाँ पर जो कि पेप्टिक अल्सर है स्टमक अल्सर जिसको कहते हैं या गा ब्लैडर की बीमारी है या लिवर की प्रॉब्लम है या माओकॉर्डियोजीमिया है इन ये सब सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं लाइक पेप्टिक अल्सर ठीक है गा ब्लैडर लिवर एंड एम आई तो इसके अंदर ये सिस्टमिक डिजीज़ हैं तो इसकी जो उन्होंने कॉज़ लिखी हुई क्या कर्ज़ कर सकती है शोल्डर पेन काज कर सकती है तो आपने ये भी ध्यान से रखना है और कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें नेक अपर बैक और हिप की और सेक्रोइलियक सिम्टम्स आ रहे होते हैं फिर कैंसर के लिए आ, कैंसर को स्क्रीन करना बहुत ज़रूरी है इट्स इन्होंने लिख दिया इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ ओवरऑल स्क्रीनिंग प्रोसेस सबसे ज़रूरी काम यह है कि आपने कैंसर की स्क्रीनिंग करनी है बायोप्सी कराई जाती है जिस तरह भी आपने उसको देखना है क्योंकि कैंसर के जो सिम्टम्स हैं ना कैंसर की वजह से अभी नेक में पेन आ रही है शोल्डर में पेन आ रही है चेस्ट में पेन है अपर बैक में है हिप में है ग्रोइन रीजन में है पेल्विक में है सैक्रोइलियक पेन आ रही है लोअर बैक आ रही है तो वो कंफ्यूज बंदा हो जाता है कि आपने देखना है कि क्या इसको कैंसर तो नहीं होता ना हाँ किसी बंदे को सो यू हैव टू स्क्रीन फॉर दैट थिंग्स फिर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हाउ एंड वॉट टू लुक फॉर टू स्क्रीन फॉर कैंसर जब आप थेरापिस्ट को ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि उसने कैसे अब अभी उन्होंने हमें सिर्फ वो गाइड कर हैं यू शुड नो दीज थिंग्स आगे चैप्टर्स में हम जाते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि अच्छा इस तरह करना है हमने तो इसके अलावा उन्होंने इधर यही लिखा हुआ है कि इस पूरी बात का मकसद यही है दो मकसद हैं एक आपको ये जो रेड अंडरलाइन हुआ है ना थेरापिट रिकोगनाइज एरियाज़ डैट और बियॉन्ड द स्कोप ऑफ फ़िजिकल थेरापिस्ट प्रैक्टिस आपको पता होने चाहिए ये पढ़ कर के, के कल को अगर आप किसी क्लिनिक में बैठे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये एरिया मेरे स्कोप में नहीं है आप उसको रेफर करते हैं ठीक है ज़रूरी नहीं कि आपने गलत ट्रीट करना शुरू कर देना है और नहीं और दूसरी बात जो ग्रीन अंडरलाइन है सेकेंड इज़ टू प्रोवाइड अ स्टेप बाई स्टेप मैथड हमें पता चल जाएगा कि किस तरह हुटिकल रेफरल और कंसल्टेसन थेरापिस्ट को पता चल जाएगा एक स्टेप बाय स्टेप मैथड के थ्रू कि इस बंदे को हमने रेफ़र कर देना दोनों की बात सेम ही थी एक ये कि आपके स्कोप की बात नहीं है दूसरी आपने उसको रेफ़र कर देना है इसके अलावा एक लाइन यहाँ पर हमने लिखी हुई है उसको पढ़ के हम अब आगे जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं नीचे कि रेड फ्लैग्स रिक्वायरिंग री एवेलोशन बाय द मेडिकल स्पेशलिस्ट तो ये बात उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि जो रेड फ्लैग अगर किसी का निकल आया ना आगे हमने एक बॉक्स पढ़ना है रेड फ्लैग्स होते क्या हैं दे आर एमरजेंसी अलार्मिंग कंडीशनस होती हैं जो कि अगर किसी को रेड फ्लैग है ना अब नॉर्मल कंडीशन है या कोई नॉर्मल से हट है तो वह हम ठीक नहीं करेंगे ठीक है वो हमने रेफ़र कर देनी है अब रेड फ्लैग की मिसाल हम फ़ौरन से देख लेते हैं कि एक बंदा है उसका हमने फ़िज़िकल थेरेपी कराई जा रहे हैं उसको फ़िज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट से इंटरवेंशन से आराम नहीं आ रहा तो ये रेड फ्लैग हो गया मतलब अलार्मिंग कंडीशन है वार्निंग साइन है कि क्यों नहीं ठीक हो रहा मतलब उसको कोई और प्रॉब्लम है उसको रेफ़र करना है हमने मेडिकल स्पेशलिस्ट फिजिशन के पास भेजना है उसको तो यही उसने बात लिखी हुई थी और क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल आपने उसको एक डिसीजन मेकिंग के साथ काम लेना है ठीक है स्क्रीनिंग के लिए और आप लोगों की बुक्स में जो हार्ड में बुक्स हैं उधर भी एक स्टॉर आपको फील होगा जिसके अंदर क्लाइंट तो और उन्होंने पेशेंट की डेफिनेशन बताई हुई है पेशेंट की डेफिनेशन है जो इंडिविजुअल हुआ रिस्क ऑफ फिजिकल थेरेपी एंड डायरेक्ट इंटरवेंशन हु आर रेसिपियंट्स मतलब पेशेंट वही होता है जो बीमार होता है या जो कि इलाज करवा रहा है जिसको आप फिजिकल थेरेपी करा रहे हो तो इसने ये लिखा हुआ है वो आर द रेसिपियट्स ऑफ द फिजिकल थेरेपी केयर जो कि जिसकी केयर कर रहे हैं हम और डायरेक्ट इंटरवेंशन दे रहे हैं जबकि क्लाइंट का मतलब हम नहीं पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी हमने ये पढ़ा हुआ है कि क्लाइंट वेलनेस के लिए आता है आपके पास मतलब बेहतरी के लिए आता है मींस उसका अभी प्रॉब्लम नहीं है वो फ्यूचर में प्रिवेंशन के लिए आ रहा है कि उसको पता है कि मेरी फैमिली में डायबिटीज़ कॉमन है उसको पता है मेरी फैमिली में हाइपर कॉमन है तो वो आ गया है कि मुझे ऐसी एक्सरसाइजेज बताएँ ऐसा मतलब लिविंग स्टाइल बताएँ ठीक है ना कि मुझे फ्यूचर में ये ना हो तो क्लाइंट की डेफिनेशन लिखी हुई है एज इंडिविजुअल्स हु आर नॉट नेसेसरीली सिक और इंजर्ड जो कि सिक भी नहीं है हु कैन बेनिफिट फ्राम द फिज़िकल थेरापी कंसल्टेसन जो आपसे मशवरे के लिए आए हैं प्रोफेशनल एडवाइस के लिए आए हैं या प्रिवेंशन सर्विस के लिए आए हैं कि फ्यूचर में वो ना हो प्रिवेंट हो रही वो चीज़ें तो ये कुछ चीज़ें हमने देख ली हमने एक यू नो कॉन्सेप्ट ले लिया कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अभी जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो रेफ़र कर देना है बीमारियों को डायरे आपने देख लेना है कौन सी सिस्टम की प्रॉब्लम है कौन सी एन प्रॉब्लम है रेड फ्लैग है तो भेज देना है अभी हमने सिर्फ यही बातें पढ़ी हैं यही बेसिक चल रही है इस चैप्टर में आगे ये जो डार्क हाईलाइटेड है ये ऑलरेडी हुआ हुआ आया था मेरे पास तो एविडेंस बेस प्रैक्टिस बड़ा मैटर कर रही होती है इसके अंदर उन्होंने और कुछ भी नहीं लिखा हुआ बस ये लिखा हुआ है कि जो डिसीजनस आपने लेने हैं कोई भी फ़ैसला आपने लेना है तो वो किसी एविडेंस की बिना पर होना चाहिए किसी सबूत की बिना पर होना चाहिए उसने जो रेड अंडरलाइंड है वो उसने ये लिखा है कि डायग्नोसिस अगर आप कर रहे हो ना किसी को डायग्नोस कर रहे हो किसी का प्रोग्नोसिस बता रहे हो किसी को इंटरवेंशन दे रहे हो तो उसके पीछे कोई एविडेंस होना चाहिए यही बात उन्होंने इधर जो ज़रूरी थी वो बताई हुई थी ठीक है फिर इसके अलावा ये चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट करने वाली हैं वो ये थ्री पॉइंट्स हैं ये फैक्टर्स हैं डेट क्रिएट अ नीड फॉर द स्क्रीनिंग कि हमें स्क्रीनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है स्क्रीनिंग हमने करते हैं इफ़ आर साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिकेशन अक्सर दवाइयाँ खाते हैं तो कुछ दवाइयों को ऐसा साइड इफ़ेक्ट होता है कि उससे मसल पेन भी शुरू हो जाती है कभी कभी किसी जॉइंट में वो साइड इफ़ेक्ट जाके कर सकती है इट्स पॉसिबल तो हमने देखना है कि दवाई का असर है या किस चीज़ का असर है तो वॉमिटिंग आती है किसी से नवसिया होता है किसी को फीवर हो जाता है दवाई खा कर किसी का सर दर्द शुरू मतलब डिफरेंटली कभी कभी दवाइयाँ असर कर जाती हैं किसी को नींद ज़्यादा आती है तो साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन इज़ द फर्स्ट नीड फॉर द स्क्रीनिंग द सेकेंड इज़ को मॉर्बिडिटीज़ इफ़ द पर्सन इज़ हैविंग क्लस्टर ऑफ डिजीज़ को मॉर्बिडिटीज मतलब बेशुमार बीमारियाँ उसको शुगर है उसको डिप्रेशन है उसको हाइपर टेंशन है उसको कैंसर है उसको क्या क्या है को मॉरबिटीज मॉर्बिडिटीज अगर किसी को है तो सो देर इज़ ए नीड फॉर स्क्रीनिंग इफ विजरल पेन मैकेनिज्म किसी को विजरा में कोई दर्द शुरू हो गई है ठीक है किसी किडनी की दर्द है किसी पेन की आपको पता होना चाहिए कि साइन सिम्टम्स इस चीज़ के आ रहे हैं तो हमने स्क्रीन करके उसको रेफ़र करना है हैर इफ़ द मेडिकल डायग्नोसिस इज डिलेड दैन द करेक्ट डायग्नोसिस इज इवेंचुअली मेड आपको कब दोबारा से और करेक्ट डायग्नोसिस बनाने की जरूरत पड़ती है तीन पॉइंट्स उसने बता दिए बड़े कॉमन से तीन पॉइंट्स हैं कि अगर आप उसको फिजिकल थेरेपी कराई जा रहे हो और वो ठीक नहीं हो रहा फिजिक, फिजिकल पेशेंट और क्लाइंट इज़ नॉट ग फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशन तो ये बात उसने लिख दी हुई आराम से कि अगर जो पेशेंट है या क्लाइंट है उसको फिजिकल थेरेपी आपने कराई है ये एक रेड फ्लैग भी है वो ठीक नहीं हो रहा तो मीन्स आपने उसका करेक्ट डायग्नोसिस ही नहीं किया अभी भी ज़रूरत है आपको करेक्ट डायग्नोसिस करने की सेकेंड पॉइंट इज़ द पेशेंट और द क्लाइंट गेट्स बैठर देन वर्स थोड़ी देर के लिए ठीक होता है ये क्लास में भी डिस्कस हुई थी चीज़ें ये सर ने बताई थी कि वो थोड़ी देर के लिए ठीक हुए फिर वर्स हो गया तो थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया वो तो आपने उसको हीटिंग पैड लगाया थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर तो पर काम तो चल गया लेकिन बाद में उसके सिम्टम्स पहले से भी बुरे हो गए हैं सो इट्स मीन्स डैट देर इज़ सम प्रॉब्लम और आपने वो प्रॉब्लम ही नहीं समझी कि इसको मसला क्या है रूट काज ठीक करो खुद ही ठीक हो जाएगा कोई कोई ऑर्गन की प्रॉब्लम है उसकी दवाइयाँ दो ठीक होएगा हो वो ऑर्गन की दवाइयाँ देना उसको ठीक करना आपका काम तो है ही नहीं सो देर इज़ अ नीड फॉर द डायग्नोसिस द थर्ड पॉइंट इज़ अदर एसोसिएटेड साइंस एंड सिम्टम्स एवेंचली डेवेल्प आप उसको हीटिंग पैड लगा रहे थे अचानक उसका बीपी तेज हो जाए मिसाल है तो मतलब उसको शायद कोई हार्ट प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम है अदर साइंस एंड सिम्टम्स निकल आए हैं तो अभी आपने मतलब उसका डायग्नोसिस ठीक से नहीं किया उसके बाद दे आर द टाइम्स वन द पेशेंट एफ द क्लाइंट विद नियरो मस्कुलर कंप्लेंट इज रियली एक्सपीरियंसिंग द साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन यही बात उन्होंने दोबारा लिख के कह दिया है कि बंदे को कोई साइड इफेक्ट आ रहा होता है मेडिकेशन का और प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स ऑब्जर्व इन द क्लिनिक और यही यही कॉमन सोर्स है मोस्टली सोर्स ये साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन ही होता है किसी द, द, दवाई का असर उसको आ गया होता है एंड साइड इफेक्ट खास एसोसिएटेड साइंस एंड सिम्टम्स इंक्लूड जॉइंट पेन शुरू हो जाती है बंदे को मसल पेन वही किसी का साइड इफेक्ट होगा तो उसको होगी ठीक है एंड uh, अगला अगर हम पैराग्राफ पढ़ें हाईलाइटेड एज़ फॉर द को मोबिडिटीज़ मैनी पेशेंट और द क्लाइंट अद अफेक्टेड बाई द अदर कंडीशन लाइक उनको को मोबिडिटीज़ होती हैं किसी को डिप्रेशन है किसी को डायबिटीज़ एक साथ है ये सब चीज़ें है ना डिप्रेशन डायबिटीज़ इनकटिनेंस वो मोटा भी है कैमिकल डिपेंडेंसी है उसको किसी केमिकल के लिए वो डिपेंडेंट हो गया है हाइपर टेंशन भी है ऑस्टियोप्रोसेस भी हो गया डीकंडिशनिंग है उसकी तो ये को मोबिडिटीज़ एक एक ही वक्त में एग्जिस्ट कर रही हैं सो देर इज़ अ नीड फॉर द स्क्रीनिंग फिर अगर थोड़ा सा नीचे जाए ना इसी पैराग्राफ में तो लिखा हुआ है कि फ़िजिकल थेरेपी जो इंटरवेंशन होती है ना इज़ ऑफन अप्रोप्रिएट इन अफेक्टिंग आउटकम्स कभी कभी तो मतलब फ़िज़िकल थेरेपी ठीक होती है लेकिन कभी कभी आपको रेफ़र करना भी ज़रूरत पड़ जाती है आगे लिखा हुआ है जी कंसिडर द फैक्ट डेट सम क्लाइंट्स विदा सिस्टमिक और विजरोजेनिक औरजन ये सिस्टमिक और विजरोजेनिक एक ही चीज़ को कह रहे हैं कि अगर कोई सिस्टम इन्वॉल्व है कोई विजरा इन्वॉल्व है अगर आ, आ, और न्यूरोमस्कुलर सिम्टम दे रहा है वो ओरिजन पीछे से कोई और एन एम एस सिम्टम आ रहे हैं गेट बैटर विद द फिजिकल थेरापी इंटरवेंशन कभी कभी सिस्टमिक डिजीज़ भी सिस्टमिक कॉज वाली बीमारी भी ठीक हो जाती है फिजिकल थेरेपी की वजह से क्योंकि शायद प्लसीबो इफेक्ट आ जाता है या फिर फैक्ट क्योंकि हमारे दिमाग पे एक मैसेज जाता है व्हेन यू आर गेट यू नो वैन यू आर गेटिंग सम हिटिंग पैरमोटैलिटी यूर टेंस एनी काइंड ऑफ द थिंग तो आपको अब आप टेंस से सुकून मिल रहा है आपको तो फिजियोलॉजिकल अफेक्ट जनरेट हो रहा है आपके माइंड में एक मैसेज आ रहा है सो so, इन्होंने यहाँ यही लिखा हुआ है दैरापिस्ट दिन मे एक्सट एंड इन्फ्लुस एंड क्राइनमी एक्सेस न्यूरो मीन ब्रेन रिलेटेड एंडोक्राइन योर हार्मोन सिस्टम इम्यूनिटी तो एक मैसेज जा रहा है नीरो एंड्राइन इम्यून के ऊपर और बॉडी फिर होम्योस्टेसिस जनरेट कर रही है ये फिजिक कल थेरेपी का उसने बताया हमें ठीक है यू फेल्ट मच बेटर इन इवन सेंटर फ्री ऑफ टू एक्सरसाइजिंग तो कभी कभी एक्सरसाइज इतनी मतलब अच्छी होती है कि आपको आप ऐसा लगता है कि मेरी तो दर्द ही सारी ख़त्म हो गई है तो मूवमेंट फिजिकल एक्टिविटी एंड मॉडरेट एक्सरसाइज एट द बॉडी एंड बूज द इम्यून सिस्टम तो ये बहुत भी हाईलाइटेड है कि मतलब अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो मूवमेंट कर रहे हो फिजिकल थेरेपी कराई है आपने थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज की है तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो रहा है इम्यूनिटी बंदे की बढ़ती है सो so, आगे उन्होंने लिख दिया है इफ़ द फैक्टर्स आर प्रेजेंट लाइक हाँ लेकिन अगर बंदे को इनएक्ट हाइड्रेशन है लाइक like पानी की कमी हुई हुई है जैसे कि डिहाइड्रेशन है मोस्टली गर्मियों में हो जाता है डिहाइड्रेटेड बंदा है तो डिहाइड्रेशन है अगर उसको पहले ये भी वो एक्सरसाइज करे तो इसका इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा ठीक है जिस रोजे रख के बंदा डिहाइड्रेटेड हो जाता है और आप रोज़ा रख के तो एक्सरसाइज नहीं करते ना फिर वो साइड इफेक्ट ही आएगा आपको इसी तरह पोअर न्यूट्रिशन है आपकी न्यूट्रिशन आपको खुराक की कमी है ता, ताकत है नहीं जान आप कितनी है नहीं एंड यूर परफॉर्मिंग द हैवी एक्सरसाइजेज इन दैट विल बी नॉट गुड फॉर यू इट विल क्रिएट नॉट गुड कंसिक्वेंस अच्छा नतीजा आने के बजाय बुरा आ जाएगा क्योंकि पोअर न्यूट्रिशन फटीक है कोई बंदा डिप्रेसड है उसका माइंड कहीं और स्टक है डिप्रेस्ड फोर्सफुल एक्सरसाइज करके क्या फ़ायदा मिलेगा उसको ठीक है ना इव्यून ओ सो प्रशन है न? या स्ट्रेस है उसका कोई तो इन सच केसिस द कंडीशन विल प्रोग्रेस टू द पॉइंट दट दाइन एंड सिम्टम्स विल भी ऑब्जर्व तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है कोई वार्निंग साइंस और सिम्टम्स ऑब्जर्व हो सकते हैं हाँ जी uh, एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ ली ये कुछ पॉइंट्स और uh, ये हाईलाइट थिंग्स हमने पढ़ ली नाव वी आर मूविंग टूअर्स सम थिंग डिफरेंट द टेबल इज अबाउट रीजन्स फ फॉर द मेडिकल स्क्रीनिंग यही है कि क्या वजह पड़ गई है उन्होंने इस बॉक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वी शुड नो दैट कि नंबर वन इज़ डायरेक्ट एक्सेस हम सबको पता है वट इज़ डायरेक्ट एक्सैस इट्स पेशेंट डायरेक्टली आपके पास आ गया सबसे पहले आपके पास आया किसी ने रेफ़र नहीं किया उसको पता था कि हमारे मोहल्ले में हमारे एरिया में एक अच्छा फिजिकल थेरापिस्ट है आपका नाम बड़ा बना हुआ है तो वो सीधा आपके पास आ गया जी मुझे इधर दर्द है जब डायरेक्ट असेस होती है तो आप ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा आपको ध्यान से उसको स्क्रीन करना पड़ेगा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कि क्या वाकई मेरे Uh, मेरा भी पेशेंट है फिजिकल थेरेपी के लिए अप्रोप्रिएट है अभी के नहीं यू ना हो इसको फिजिशन की या किसी यू नो एम बी बी एस स्पेशलिस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत हो तो डायरेक्ट रेस द थेरेपिस्ट हैज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है आपकी और क्विकर एंड दिक्कर पेशेंट क्लाइंट बेस क्विकर एंड सिकर नीचे मैंने जब मैं इसको एक दफा देख रही थी तो क्विकर का जो कॉन्सेप्ट मुझे मिला वो यही है कि जल्दी जल्दी हम जो आजकल पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर देते हैं ठीक है आ, नीचे आपके इस बुक में यही टेक्स्ट में यही लिखा हुआ है कि दस साल पहले की बात की जाए तो पेशेंट्स को ना काफ़ी देर हॉस्पिटल रखा जाता था उनकी केयर की जाती थी अब दस साल की नस्बत बहुत जल्दी उनको घर भेजने की करते हैं क्योंकि अब एक तो किराए बहुत बढ़ गए हैं और अब इतनी केयर भी नहीं है इसी तरह क्विकर इसको कहते हैं सिकर सिक कर मीन्स के बंदा बहुत ज़्यादा सिक है अनस्टेबल है मतलब उसको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं एक वक्त में कई बीमारियाँ हैं वो बड़ा सिक है तो कोई कारण सिकर आपने इस चीज़ का मतलब बेस का ध्यान रखना है कि वो कैसा है अनस्टेबल तो नहीं है द सेकेंड पॉइंट हमने देख लिया थर्ड में उसने कहा है साइंड प्रिस्क्रिप्शन uh, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि किसी ने प्रिस्क्राइब करके दे दिया जैसे कि मेरे पास कोई आए तो मैं कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ कि आप इस डॉक्टर के पास चले जाओ इसी तरह आपके पास आया कोई क्योंकि उसको किसी ने प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दी थी कि डॉक्टर आयशा या डॉक्टर किसी के पास भी आप चले जाएँ ठीक है फिजिकल थेरापस्ट के पास चले जाएँ तो क्लाइंट्स में अपटेन अ साइंड प्रिस्क्रिप्शन फॉर द फिज़िकल और ऑक्यूपेशनल थेरापी बेस्ड ऑन द सिमिलर पास्ट कंप्लेंट्स ऑफ एम एस के सिमटम्स विदाउट डायरेक्ट फिजिशन कंटैक्ट के मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कोई नहीं हुआ फिजिशन से फिजिशियन क्या है डॉक्टर एम बी बी एस डॉक्टर को कॉल की कहा कि मुझे जी इधर मसल्स में दर्द है उसने कहा अच्छा आपको पिछले महीने भी दर्द थी तो आपको यही मसला था या पिछले साल चलो कह लो आप मेरे पेशेंट हैं आपको ये दर्द थी तो आपको एम एस के की प्रॉब्लम है एन एम एस ठीक है तो आप इस डॉक्टर के पास चले जाओ डायरेक्ट कंटेक्ट हुआ ही नहीं मतलब उसने स्क्रीन ही नहीं किया उसने देखा ही नहीं कि उसको और क्या मसला है तब आपके लिए ज़्यादा मतलब यू you नो know, आपको ज़्यादा ध्यान से आपने काम करना है तो उसने एक रीज़न बता दिया कि किसी ने प्रिस्क्राइब कर दिया आप तब भी अंधे कहते हैं ना अन्ने हुआ ये कि नहीं कर सकते आप आपने तब भी अपना काम करना है किसी ने भेजा है आपके पास देन आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको देखो फिर मेडिकल स्पेशलाइजेशन मेडिकल स्पेशलिस्ट में फेल टू रिकॉग्नाइज अंडरलाइंग सिस्टमिक डिजीज़ कभी कभी मेडिकल स्पेशलिस्ट भी वो भी इंसान है वो भी नहीं यू नो डायगनोज़ कर पाते ना बीमारी को कभी कभी वो बीमारी ही इतनी अर्ली अगे आप लिखोगे कि इतनी अर्ली स्टेजेस पे होती है कि अभी उसका कोई साइन और सिम्टम ही नहीं निकला होता कि साइन एंड सिम्टम्स ही नहीं होते अभी निकले हुए अभी वो प्रोग्रेस ही इतनी की होती सो मेडिकल स्पेशलिस्ट अगर फेल हो गया तो तब आपने तब जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि वो आपके पास आ चुका है इसी तरह डिजीज़ प्रोग्रेशन मतलब बीमारी आप प्रोग्रेस कर लिया अली साइन एंड सिम्टम्स डिफ़िकल्ट थे Uh, तब वो प्रेजेंट नहीं थे जब डिजीज प्रोग्रेस कर गई तब आप नहीं देखनी अब पेशेंट क्लाइंट डिस्कलोयर डिस्कलोयर मतलब किसी चीज़ को खोल देना डिस्क्लोज कर देना मतलब सामने ले आना uh, पेशेंट ने अभी अचानक आपको एक नई बात बता दी है जो उसने अपने फिजिशन को ना बताई हो सो दीज आर द थिंग्स पेशेंट एट क्लाइंट डिस्कलोयर इट मे बिकम इन द शॉर्ट क्यू आपको ये शॉर्ट क्यू में टेबल आ सकता है क्योंकि नीड्स फॉर द स्क्रीनिंग अगर आप ये टेबल छाप देंगे तो यू विल गेट सम मार्क्स ठीक है ना इंशाल्लाह तो इसको इधर से हम कर रहे हैं कि क्लाइंट इसके प्रीवियसली अननोन के पहले वो इंफॉर्मेशन पता ही नहीं थी और अन टू द फिजिशन थी और क्लाइंट uh, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो डज नॉट रिपोर्ट सिम्टम्स और कंसर्न टू द फिजिशन वो नहीं बता रहे होते हैं क्योंकि या तो वो भूल जाते हैं या उन्हें कोई डर होता है या उन्हें एम्बेरसमेंट का डर होता है कि मेरी बेजती ना हो जाए अगर मैं बता दूँ मुझे ये प्रॉब्लम है हो जाती है ना चीज़ें आ जाती हैं साइकोलॉजिकल थिंग्स होती है नॉर्मल साइकी कि मैंने बता दिया तो मेरी बेजती ना हो जाए तो वो अचानक जब सामने आती है तो आपको बताया फिर वो डायग्नोसिस पर असर अंदाज होती है आहर में उसने ये बता दिया कि इफ़ दर इज़ प्रेजेंट प्रेजेंट सो वन और मोर येलो और द रेड फ्लैग्स यालो को कॉशन क्या है कि अभी मतलब कॉशनरी कंडीशन है थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है आपको ज़रा स्क्रीनिंग की ज़रूरत है और रेड फ्लैग्स में तो आप तो बिल्कुल रेफर ही कर दो क्योंकि वो रेड फ्लैग है और वो वार्निंग चीज़ है सो so, हमने ये चीज़ एक बॉक्स अभी हमारा हुआ है वी हैव मल्टीपल बॉक्स डिस्कस्ड अबाउट टू बी डिस्कस्ड अबाउट ओके तो रीजनस टू स्क्रीन ये ऊपर जो बॉक्स था ना उसी की हेडिंग है, है और यही डायरेक्टर्स है इसके बारे में लिखा हुआ अर्ली डिटेक्शन एंड रेफरल कभी कभी अगर आप शुरू से ही डिटेक्ट करना शुरू कर दो शुरू में ही रेफर कर दो तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हो फिर लिखा हुआ है हाउ टू रिकगनाइज स्टामिक डिजीज़ मस्क्यडिंग एज नीरो मस्कुलर डिस्फंक्शन मस्क्यड का मतलब यही होता है कि गलत फ़ॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो रही है बीमारी यू नो सिस्टेमिक है और आपको लग रहा है वो एन एम एस है नीरो मस्कुलर्स है तो आपने किस तरह रिकॉग्नाइज़ आप करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि इधर कोई मजीद कोई बात लिखी हुई है डेट आर क्लियरली हिस्ट्री हाँ अब हम आगे चलते हैं क्विकर एंड सिकर है uh, जब हम पढ़े थे तो ये क्लास में डिस्कस तो नहीं हुआ बट इसके अंदर मेजरली हाई है तो हम पढ़ लेते हैं कि क्विकर में यही होता है कि हाउ हेल्थ केयर डिलीवरी हैज़ चेंज इन द लास्ट पास्ट टेन ईयर्स यू नो दस सालों से पिछले दस सालों में अब बड़ा चेंज आ गया दस सालों की नस्बत अब टू कम्पेयर द राइजिंग कॉस्ट क्योंकि अब बड़ी कीमतें बढ़ती जा रही हैं तो यही लिखा हुआ है कि जो हॉस्पिटल के इन पेशेंट्स होते हैं एक इन पेशेंट है अगर एक आउट पेशेंट का जिक्र कर रहे हैं जो इन पेशेंट्स हैं अब उनको बड़ी जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाता है बनस्बत दस साल पहले और जो आउट पेशेंट हैं उनकी सर्जरी क्या है जी इज़ मच मोर कामन सेम डे डिस्चार्ज आज ही सर्जरी हुई तो शाम को उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जबकि पास्ट में सात से दस दिन लगते थे मतलब वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसको एक वीक आप अपने पास रखते थे दस दिन अपने पास रखते थे अब उसी दिन आप उसको कर रहे हो छोड़ रहे हो दिस इज़ द डिफरेंस टॉकिंग अबाउट एंड पेशेंट क्लाइंट्स ऑन द मेडिकल सर्जिकल वार्ड्स ऑफ द हॉस्पिटल केयर यूनिट्स ट्वेंटी ईयर्स अगो तो आज कल जो हम मेडिकल वार्ड में कभी चक्कर लगाए हैं कभी या फीमेल मेडिकल वार्ड होता है और एक मेल उधर ऐसे ही मरीज़ पड़े होते हैं इतनी ज़्यादा नहीं जितनी इंटेंसिव में उसको की जा रही होती है ना देखभाल तो जो वो कह रहे हैं जो पिछले यू नो बीस सालों में जो लोग आई में होते थे ना आई वाले वाली जिनकी केयर बड़ी इंटेंसिव होती थी आज वो लोग बैठे हुए हैं जी मेडिकल वार्ड्स में तो ये क्विकर के बारे में उसने बताना चाहे था थेरापिस्ट बी अलर्ट द रेड फ्लैग्स ऑफ द सिस्टमिक डिजीज़ इज ऑल द टाइम्स बट स्पेशली इन दोज क्लाइंट्स हैव बीन गिवन अर्ली रिलीज़ तो उसने कहा रेड फ्लैग्स का अपने बड़ा ध्यान रखना है खास तो पर उन लोगों पर जो कि जल्दी डिस्चार्ज होकर चले गए ना अपने उनको देखना है कि कोई रेड फ्लैग तो नहीं है उनको एंड वार्निंग साइंस मेक हम इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्टेड सिम्टम्स वार्निंग साइन एक्चुअली और रेड फ्लैग यही चीज़ होती है तो रेड फ्लैग्स कह रहे हैं कि वो रिपोर्टेड सिम्टम्स की फॉर्म में भी आ सकती है ठीक है सो कम इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्टेड सिम्टम्स किसी ने आपको बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है और अब्ज़र्व्ड साइंस हो सकते हैं ठीक है थीके? तो रेड फ्लैग के बारे में होने पढ़ ली कोई हमें या खुद रेड फ्लैग देख लेते हैं ऑब्जर्व कर लेते हैं या कोई रिपोर्ट करता है यही बताना चाहा है उसने और दैट डॉट मैच द रिसेंट हिस्ट्री ठीक है और फिर उसके बाद उसने हमें ये बताया कि जो सिकर होता है ना रेफर्स टू द फैक्ट एड द्लाइंट इन्यूट केयर रिहेबिटेशन और आउट पेशेंट क्लाइंट विद एनी ऑर्थोपैडिक और न्यूरोजिकल प्रॉब्लम मे हैव फास्ट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द कैंसर और करंट पर्सनल हिस्ट्री ऑफ द डायबिटीज़ लिवर डिजीज हार्ट कंडीशन पैप्टिकलसर अदर कंडीशन तो सिकर में यही है कि अगर आप किसी केयर ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन तो उन्होंने यही लिखा हुआ है कि जो सिकर होते हैं रेफर्स टू तो द फैक्ट दैट जो पेशेंट टू क्लाइंट अक्यूट केयर में अगर आपने उसको रखा हुआ है ना कि मतलब अभी अभी उसको कोई प्रॉब्लम है अब उसकी रिहेबिलिटेशन कर रहे हो और वो आउट पेशेंट है तो उसको बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमने साथ देख ली उसको ऑर्थोपैटिक और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी दी ठीक है ऑर्थोपेडिक uh, प्रॉब्लम भी है और उसको कैंसर है तो ये सब वो सिकर कह रहे हैं उसको कि वो मजीद बीमार है और नीचे उन्होंने हाईलाइट में लिखा हुआ है कि जो सेवेंटी नाइन परसेंट अडल्ट होते हैं ना वो द सेवेंटी है एटलीस्ट मतलब सेवेंटी नाइन परसेंट मतलब एटी परसेंट ही कह लो जो बूढ़े लोग हो गए हुए हैं जिनकी उम्र सत्तर से ज़्यादा है उनको इन सात बीमारियों में से एक तो ज़रूर होती है एटलीस्ट वन ऑफ द सेवन मतलब बूढ़े हापे में जाकर अर्थराइटिस और ये हाईपर और ये हार्ट डिज़ीज़ और डायबिटीज़ और ये रिस्पायरेटरी डिज़ीज़ और ये स्ट्रोक और कैंसर हो जाता है ठीक है तो ये अर्थराइटिस में हाइपरटेंशन में हार्ट की प्रॉब्लम शुगर या फिर रिस्पायर uh, कोई प्रॉब्लम है या कोई स्ट्रोक है या कैंसर है तो ये उनको हो जाता है तो द प्रेजेंस ऑफ द मल्टीपल कोमोबिडिटीज द नीड टू व्यू द होल पेशेंट और क्लाइंट एंड नॉट जस्ट द पार्ट कि आपने पूरे पेशेंट और क्लाइंट को आपने देखना है सिर्फ एक पार्ट को आपने डिस्कस uh, नहीं करना ठीक है पूरी बॉडी को देना है तो ये हमारे पास सिकर और क्विकर की चीज़ हमने देखी थी साइंड प्रिस्क्रिप्शन भी फटाफट देख लेते हैं सिर्फ हाईलाइट पढ़ लेते हैं जी क्लाइंट्स में अपने यहाँ साइंड प्रिस्क्रिप्शन ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि किसी ने आपको रेफ़र कर दिया एंड देयर प्राइमरी केयर फिजिशन ने आपके पास भेज दिया और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने तो कोई पास्ट में कोई उसको ऐसी कंप्लेन थी उसी बिना पर आपके पास भेज दिया विदाउट एक्चुअली से द फिजिशन बिल्कुल ध्यान से उसके पास गए नहीं हैं कॉल पर ही बात हुई है तो आपको साइन कर दिया तो फिर आपने उससे ना ये दो सवाल ज़रूर पूछने हैं अगर कोई भी बंदा आपके पास आए ना कि फ़लाने डॉक्टर ने आपके पास भेजा तो आपने उससे सवाल पूछना है कि डिड यू एक्चुअली द फिजिशियन के क्या वाकई आप किसी फिजिशियन से मिलकर आए हो कि नहीं कोई कार्योप्रैक्टर डेंटिस्ट वगैरह से मिल आए हो कि नहीं डिड द डॉक्टर एग्जामिन यू या डेंटिस्ट के पास भी अगर आप गए थे तो क्या उसने वाकई आपका एग्जामिनेशन किया है कि नहीं एग्ज़ामिन किया आपको कि नहीं किया ठीक है और मेडिकल uh, स्पेशलाइजेशन में क्या लिखा हुआ है क्योंकि हमारी छोटी छोटी ये पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे तो हमें बाद में ख़ुद मेहनत करके पढ़ना नहीं पड़ेगा अभी सब मिलकर यू you नो know, इस तरह वीडियो से हो जाएगा अगर तो विद इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन ऑफ़ द मेडिसन क्लाइंट्स मे बी एवेलुएटेड बाई द मेडिकल स्पेशलिस्ट नॉट इमीडियटली रिकोगनाइज दंडलिंग सिस्टमिक डिजीज तो uh, जो होता है जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है वो शुरू में रिकोगनाइज नहीं करता और दपेशलिस्ट मे अज्यूम दैट द रेफरिंग प्राइमरी केयर फिजिशन हेज़ रोल्ड आउट अदर काज़ तो कभी कभी स्पेशलिस्ट ये खुद से एज्यूम कर देता कि अगर हमने इसको रेफ़र कर दिया किसी फिजिशन के पास तो कहीं और काजेज़ ना निकल आए मुझे इसकी हाँ इसकी हाँ समझ नहीं आई प्रोग्रेशन ऑफ द टाइम एंड डिजीज़ ये हम नहीं करेंगे अभी Uh, ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं वी विल डि दीज केसेस दीज एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट वीडियो एंड येलो और द रेड फ्लैग्स हैं हमारे पास वी हैव द टेबल फ़ॉर द येलो एंड रेड फ्लैग के किस तरह से रेड फ्लैग uh, क्या होते हैं हम इसको अभी डिस्कस करते हैं एंड ये सब